कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने इस समय पूरी दुनिया में कोहराम मचाया है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बावजूद संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इन सभी देशों में एक बार फिर अस्पतालों में बेड खाली नहीं बचे, वहीं मौतों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग चुका है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि समय के साथ टीकों का प्रभाव कम हो रहा है और लोगों पर खतरा बढ़ रहा है। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बहरीन के रिसर्चरों द्वारा दुनिया भर की वैक्सीन के प्रभाव की जाँच की गयी है। इसमें कई महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल वैक्सीन के प्रभाव पर जो रिसर्च तैयार की गई है उसमें चीन की साइनोफार्म, रूस की स्पुतनिक, अमेरिका की फाइजर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड नाम दिया गया है, उसको शामिल किया गया। बता दें कि बहरीन की आबादी 15 लाख से थोड़ी ज्यादा है, जिसमें से 10,03,960 से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 9 दिसंबर 2020 से 17 जुलाई 2021 तक बहरीन में 5,69,054 लोगों को चीन की साइनोफार्म वैक्सीन लगी। वहीं 1,84,526 लोगों को स्पुतनिक वैक्सीन लगाई गई। उधर 1,69,058 लोगों को फाइजर बायोएनटेक और 73,765 लोगों को कोविशील्ड दी गई थी। इसके अलावा रिसर्च में 2,45,876 ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली और जिन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। इन सभी लोगों की उम्र 18 से ऊपर थी। रिसर्चरों ने पाया कि वैक्सीन ना लेने वाले लोगों के मुकाबले इन चारों वैक्सीन में से एक भी लेने वालों को सभी पैमानों पर काफी सुरक्षा मिली। ये सुरक्षा डेल्टा वेरिएंट के फैलने के दौरान भी जारी रही। हालांकि जब सभी वैक्सीन के डेटा की तुलना की गई तो सामने आया कि किसी भी वैक्सीन के मुकाबले चीन में बनी साइनोफार्म की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण होने का खतरा सबसे ज्यादा रहा। इतना ही नहीं, उनके अस्पताल में भर्ती रहने, आईसीयू में भेजे जाने, मौतों के आंकड़े भी बाकी वैक्सीन पाने वालों में से ज्यादा रहा, खासकर 50 साल से ज्यादा उम्र वालों में। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने वैक्सीन के प्रभाव को चार पैमानों पर जांचा। ये पैमाने थे लोगों के संक्रमित होने की दर, अस्पतालों में भर्ती होने की दर, आईसीयू में ले जाने की दर और मृत्यु दर। वैज्ञानिकों ने चारों वैक्सीन की तुलना के बाद जो नतीजे जारी किए हैं उसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन सबसे बेहतर नतीजे देती है, फिर चाहे वो अस्पताल में भर्ती होने से बचाने का मामला हो या मौतों से बचाने में। खास बात ये है कि कोविशील्ड वैक्सीन इन सभी वैक्सीन में सबसे सस्ती भी है। जहां वैक्सीन ना लगवाने वाले प्रति 10,000 संक्रमितों में से करीब 1,322 को अस्पताल ले जाने की आवश्यकता पड़ी, वहीं साइनोफार्म वैक्सीन लगवाने वाले प्रति 10,000 संक्रमितों में 694 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इसी तरह स्पुतनिक वी लगवाने वाले 10,000 संक्रमितों में से 224 को भर्ती करवाया गया। दूसरी तरफ फाइजर की वैक्सीन लगवाने वालों में से 199 लोगों को संक्रमण के बाद अस्पताल ले जाना पड़ा। लोगों को अस्पताल ले जाने से बचाने में कोविशील्ड सबसे आगे रही। इसे लगवाने वालों 10,000 लोगों में से सिर्फ 152 लोगों को ही अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां बिना वैक्सीन वाले प्रति 10,000 संक्रमितों में से सिर्फ 201 लोगों को आईसीयू पहुंचाना पड़ा। वहीं साइनोफार्म लगवाने वाले हर 10,000 में 57 संक्रमितों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। स्पुतनिक लगवाने वालों में कोई भी गंभीर समस्या नहीं उभरी और उन्हें आईसीयू ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उधर फाइजर लगवाने वाले प्रति 10,000 में से सिर्फ 5 लोगों को ही आईसीयू ले जाना पड़ा। कोविशील्ड में ये दर दोगुनी, यानी प्रत्येक 10,000 में से 10 संक्रमित ही आईसीयू भेजे गए। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद बैक थ्रू इन्फेक्शन, यानी वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। लोगों की मौतों के आंकड़े भी काफी बड़े हैं। हालांकि बिना वैक्सीन लगवाए लोगों को कोरोना से मौत का खतरा वैक्सीन लगवाने वालों के मुकाबले काफी ज्यादा है।
जहां टीका ना लेने वाले प्रति 10,000 लोगों में 132 की कोरोना से मौत हुई, तो वहीं साइनोफार्म की वैक्सीन लेने वाले 10,000 में से 46 लोगों की जान गई। स्पुतनिक वैक्सीन लेने वाले 10,000 में से 9 लोगों की मौत की संभावना रही। उधर फाइजर बायोएनटेक का टीका लेने वाले 10,000 में से 15 की जान जाने की संभावना रही। इसमें भी सबसे बेहतर रिकॉर्ड कोविशील्ड का रहा, जिसे लगवाने वाले 10,000 में सिर्फ 3 लोगों की ही जान जाने की संभावना रही है।